Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you are watching English Connection. Basic English Grammar Series का ये part है. आज है day 17 और आज आप सीखने वाले हैं present indefinite tense, जिसे कि present simple tense भी बोलते हैं. और एक बात मैं बता दूं कि ये ऐसा tense है जिसमें बहुत सारे learners confused होते हैं, क्योंकि ये simple से sentences होते हैं, जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, मैं नहाती हूँ, वो गाता है. ऐसे sentences में हम is, am, are का use कर लेते हैं, लेकिन इज एम आर का यूज नहीं होता. एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी. वह जाता है, अगर किसी से इंग्लिश इसकी पूछी जाए जो कि अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, तो वो बोलेगा ही इज गो. वो क्या करते हैं कि वह को ही से ट्रांसलेट कर दिया, है के लिए इज लिख दिया और जाता के लिए गो लिख दिया, ही इज गो. लेकिन ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है. तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो काम अभी हो नहीं रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन होता है किसी टाइम पीरियड में, होता है कभी नहीं होता, या फिर रूटीन की तरह रोज होता है, महीने में दो बार होता है. तो जो चीजें कभी होती हैं, कभी नहीं होती, या फिर बार बार होती हैं, उनके लिए इस टेंस का हम यूज करते हैं. और इज एम आर हम यूज करते हैं तो उसके बाद एक्शन वर्ब जो होती है उसमें आई एन जी एड होता है, वो उसके लिए यूज होता है जो हम काम अभी कर रहे हैं. जैसे अभी मैं बोल रही हूं तो मैं बोलूंगी आई एम स्पीकिंग. और अगर मैं बोलूं मैं बोलती हूं, मतलब ये नहीं कह रही हूं मैं अभी बोल रही हूं, बट मैं बोलती हूं, तो मैं बोलूंगी आई स्पीक. तो इज एम आर नहीं आता, उसके साथ और कोई वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधे मेन वर्ब आ जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में. ऐसे ही आप इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा गाइस. अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम पहचाने कैसे. जरूरी नहीं है कि लिखा हुआ देख के ता है, ती है, ते हैं पहचाने. इसे हम ऐसे ही कैसे पहचान सकते हैं, बोलते समय डायरेक्ट हम कैसे बोल सकते हैं. तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जो टिप्स आज आपको इसमें मिलने वाले हैं वो आपके लिए पूरी जिंदगी काम आएंगे. सो लेट्स बिगिन. सो गाइस सबसे पहले मैंने जो यहाँ सेंटेंस बताया आपको, वह जाता है, तो ये बता दिया कि ये गलत है, तो इसकी सही इंग्लिश होगी ही गोज. अब आप सोचेंगे ही वह के लिए हो गया, जाता है की इंग्लिश अलग से नहीं लिखी, गो लिखा. अब इसमें ये ई एस कहां से आया, तो ये जो ई एस आया है इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगी कि वर्ब में कहां पे एस, कहां पे ई एस लगाते हैं और क्यों लगाते हैं. अभी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है क्या और कहां कहां यूज होते हैं. तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस चार चीजों के लिए, चार सिचुएशंस में यूज होते हैं, जहां की सबसे पहला आता है टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम्स. इसका मतलब हो गया जो आपकी आदत में है. ऑफ कोर्स जो आदत में है वो आप बार बार करते हैं. तो कुल मिला के जो काम आप बार बार करते हैं उसके लिए आप इसे यूज करते हैं. अब बार बार में इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन आप उसे कर रहे हैं. मान लीजिए अगर आप बोले मैं महीने में दो बार दिल्ली जाता हूं, तो महीने में दो बार करते हैं. कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक बार हुआ फिर नहीं हुआ, कभी ना कभी दोहराया जाएगा. ऐसे चीजों के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं. और इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये सेंटेंस के एंड में आएंगे. तो रिटन इंग्लिश के लिए तो ये आप देख के ही समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है और किस तरीके से करना है. लेकिन स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो ये माइंड में रखिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे हाँ सेंटेंस को आपने बोला अच्छा ता है, ती है, आ गया, अब इसमें इस तरीके से बनाना है, तो बहुत टाइम चला जाएगा. स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ये माइंड में कॉन्सेप्ट रखना होगा कि किस सेंटेंस के लिए, कैसे सेंटेंसेस के लिए हमें इन्हें यूज करना है. तो जो आप बार बार करते हैं सिंपल, या फिर जो काम आप दोहराते हैं, तो अपनी डेली रूटीन सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक के सभी सेंटेंसेस अगर आप किसी को बता रहे हैं तो इसी टेंस में ट्रांसलेट करेंगे. जैसे कि मैं उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, रात को मैं इतनी बजे सो जाता हूँ, सब के सब सेंटेंसेस इसी टेंस में ट्रांसलेट होंगे. और ये बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए होता है, लेकिन बहुत ही ईजी अगर आप ध्यान से समझे. तो अब देखिए सेंटेंसेस, आई ब्रश माई टीथ, मैं मंजन करती हूं, तो ये क्योंकि मैं करती हूं अभी नहीं कर रही हूं,
इसलिए हमने कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की, आई के बाद डायरेक्ट ब्रश यूज किया, यानी कि मंजन करना. आई ब्रश माई टीथ, ये हो गया आई के साथ ब्रश आया. अभी आप देखते चलिए, मैं आपको समझाती हूँ कि कब हम ऐसे आई एस नहीं लगाएंगे और कब लगाएंगे. ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे. ही प्लेज, ही के डायरेक्ट बाद वर्ब आई प्ले, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे. वो हर दिन फुटबॉल खेलता है, यहाँ इसका मतलब है खेलता है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा. आई डांस, मैं नाचती हूँ, कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं आई है. यू सिंग, तुम गाते हो. यू सिंग, तो गाते हो के लिए सिंग आया, कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं आनी है. अब आप देखिए इसका तरीका. तो ये रहा पैटर्न, सबसे सिंपल पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. यहाँ पे वर्ब जो है ना वो मेन वर्ब है, यानी कि जो क्रिया हो रही है. तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब में एस या ईएस ऐड हुआ प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब कि उसके अलावा जो और बचे वर्ड्स हैं वो. तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इस पे डिपेंड करता है कि वर्ब में एस या ईएस लगेगा कि नहीं. तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो एस या ईएस नहीं आएगा. ठीक है, वर्ब में एस या ईएस लगने का मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगी. तो प्लूरल सब्जेक्ट्स में आई और यू, ये एक्सेप्शन है. आई सिंगुलर होते हुए भी इसमें वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल वाली ही. ठीक है, तो आई वी यू दे, टू और मोर नेम्स, जैसे कि राम एंड रोहन, राम रोहन एंड मीरा, इस तरीके से अगर बोल रहे हैं तो भी वर्ब प्लूरल आएगी और उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा. तो हमने क्या लिखा, गो. ठीक है, I go to the park every day. मैं हर दिन पार्क जाती हूँ. We आया तो we go to the park. We तो plural है ही, लेकिन I क्या है, exception है, मैंने आपको बता दिया. तो I के साथ हमेशा plural वाली verb आएगी present indefinite में. You के साथ go ही आएगा, goes नहीं आएगा, चाहे you singular के लिए use हो चाहे plural के लिए. So I और you का concept आप समझ लीजिए. You go to the park every day. They go to the park every day. राम एंड रोहन गो टू द पार्क एवरी डे, या फिर राम रोहन एंड मीरा गो टू द पार्क एवरी डे. तो इन सब के साथ गो ही आएगा. अब बात करते हैं सिंगुलर की, ये सभी सिंगुलर है, इवन इन्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है, ही शी इट. और उसके अलावा एनी नेम, मान लीजिए किसी एक बंदे का नाम लिया जा रहा है, किसी एक पर्सन का नाम, तो फिर इनके साथ जो वर्ब आएगी उसमें ये ई एस या फिर एस एडेड होगा. ठीक है, जैसे प्ले होगा तो प्लेज होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस आएगा. अगर हम यहाँ पे प्ले बोलें तो सिर्फ एस ऐड करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने बोला गो तो ई एस ऐड किया, गोज हो गया. ही गोज टू द पार्क एवरी डे, वो हर दिन पार्क जाता है. शी गोज टू द पार्क एवरी डे. इट गोज टू द पार्क एवरी डे, इट यहाँ किसी एनिमल के लिए यूज हुआ है. एनी नेम, राम गोज टू द पार्क एवरी डे, रोहन गोज टू द पार्क एवरी डे. तो किसी सिंगल नाम के साथ या फिर ही शी इट, इनके साथ जो वर्ब आएगी उसमें एस या ईएस ऐड होगा. और आई वी यू दे या फिर दो या दो से ज्यादा नामों के साथ जो वर्ब आएगी उसमें एस या ईएस नहीं ऐड होगा. ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप गलत इंग्लिश नहीं बोलेंगे, परफेक्ट बोल पाएंगे. ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब आ गई, मेन वर्ब गो. जैसे ही था तो ही के साथ डायरेक्ट आ गया प्ले, और क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पे हमने एस लगा दिया, ही प्लेज फुटबॉल. आई के साथ ऐसे आई एस नहीं आता तो आई डांस हो गया. आई के साथ ऐसे आई एस नहीं आता तो आई ब्रश हुआ. यू के साथ ऐसे आई एस नहीं आता तो यू सिंग हुआ. इस तरीके से क्लियर. तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, और सबसे ज्यादा इसी सेंस में यूज करते हैं इस टेंस का. तो आपके लिए एक होमवर्क देती हूँ कि आप अपनी डेली रूटीन, सुबह से लेकर शाम तक के जो काम करते हैं, उसे आप इस टेंस में बनाएं और लिखें और साथ में बोलें भी. किसी को अपनी डेली रूटीन बताना है तो आपको इसी टेंस की मदद चाहिए, और किसी टेंस को सीखने की जरूरत नहीं है अगर आप अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ्स, मतलब कि जो चीजें सच हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते, जो सच है ही, उसके लिए भी ये टेंस यूज होता है. जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट,
यानी कि सूरज पश्चिम में डूबता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है. तो आप इसे बदल नहीं सकते, ये जनरल ट्रूथ है, ये फैक्ट है, आप इसे बदल नहीं सकते. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी आप बदल नहीं सकते. तो इसी टेंस में यूज हुआ. ध्यान दीजिए, सन क्योंकि सिंगुलर है, एक ही है, तो सेट्स यूज हुआ, सेट के साथ एस आ गया. अर्थ पृथ्वी भी एक ही है, तो रिवॉल्व्स में एस एड हो गया और रिवॉल्व्स हो गया. तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सिंगुलर प्लूरल का, ताकि आप एस ईएस लगाना है या नहीं लगाना है ये समझ पाए. और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करनी है. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नंबर 3, टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज और टू रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन रियल टाइम. इवन आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी देख सकते हैं. तो इसे फिर से एक बार बताती हूँ, टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज. जब आप जोक्स सुनाते हैं या कोई कहानियाँ सुनाते हैं तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को आप स्टोरी सुना रहे हैं, द कैट कैचेज द माउस एंड रन्स अवे, बिल्ली चूहे को पकड़ती है और भाग जाती है. तो आप इसी तरीके से बोलते हैं हिंदी में, तो उसी तरीके से आप इंग्लिश में भी बोलेंगे और प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज करेंगे. ठीक है, तो स्टोरीज के लिए आपने इसे यूज किया. अब हो गया टू रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन रियल टाइम. तो जबकि कोई मैच या फिर कुछ चल रहा है तो उसमें जो रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो बताया जाता है, वो प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही बताया जाता है. जैसे कि द बॉलर कैचेज द बॉल. ठीक है, अब न्यूज पेपर हेडलाइंस की बात कर ले, द रॉबर्स रॉब द बैंक. तो इस तरीके से प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही हेडलाइंस होती हैं. अब हम देखते हैं नंबर 4, टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग प्रोग्राम्स और टाइम टेबल्स. तो यहाँ इसका मतलब है कि हम फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर टाइम टेबल सेट है, प्रोग्राम है उस टाइम का, तो हम वहां पे प्रेजेंट इनडेफिनिट ही यूज करते हैं. जैसे अगर मुझे कहना है कि मूवी 6 बजे शुरू होगी, भले ही मैं यहाँ बोल रही हूँ शुरू होगी, लेकिन क्योंकि ये सेट टाइमिंग है, ये टाइम टेबल है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट यूज करेंगे और बोलेंगे द मूवी स्टार्ट्स. तो यहाँ पे स्टार्ट्स यूज के इससे पता चला कि ये हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में बोल रहे हैं. द मूवी स्टार्ट्स एट 6 o'clock. इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, द ट्रेन लीव्स एट 5:30. मतलब कि ट्रेन 5:30 बजे छूटेगी. तो फ्यूचर का है, लेकिन क्योंकि टाइम टेबल है, इसे हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में बनाएंगे. तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ आप इन्हें यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम्स, जो रूटीन्स आप बताते हैं. तो इसके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस इन द प्रेजेंट सिंपल. मतलब कि मोस्टली हम टाइम एक्सप्रेशन देते हुए बताते हैं कि हम ये काम कब कब करते हैं. तो जैसे कि ऑलवेज, तो प्रेजेंट सिंपल में ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस बहुत सारे आते हैं, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, एवरी संडे, ऑन संडेज, ट्वाइस अ मंथ, एवरी अदर डे, वंस अ वीक, इन जनरल, या फिर ऑफन, एटसेट्रा. तो यहाँ ध्यान दीजिए कि वन वर्ड के भी हैं, टू वर्ड्स के भी हैं, इवन 3 वर्ड्स के भी हैं. तो इसका भी एक रूल है, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें सेंटेंस में रखें कहाँ पे. तो जो ये वन वर्ड के हैं ना टाइम एक्सप्रेशंस, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं. तो आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडेज. तो यहाँ देखिए, एक ये टाइम एक्सप्रेशन है और एक ये है ऑलवेज. तो ऑलवेज वन वर्ड है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया, ऑन संडेज 2 वर्ड है तो सेंटेंस के एंड में आया. तो वन वर्ड वाले सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएंगे, और 2 या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स वाले या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएंगे या तो सेंटेंस के एंड में आएंगे. तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरी संडे आई गो टू द मार्केट. हर रविवार को मैं मार्केट जाती हूँ. तो इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई गो टू द मार्केट एवरी संडे. तो आप इस तरीके से टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं. अब हमने सीख लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस. एक बार समराइज करते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है, और वर्ब में एस या एस जोड़ना है कि नहीं ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. अगर ही शी इट या फिर किसी एक इंसान का नाम है तो हम एस या एस जोड़ेंगे, और अगर आई वी यू दे या फिर 2 या 2 लोगों से ज्यादा नाम है तो हम वहां पे एस या एस नहीं जोड़ेंगे. तो ही गोज टू द पार्क एंड आई गो टू द पार्क. अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर और उससे बनने वाले सेंटेंसेस. अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट.
कहानी में ट्विस्ट। अभी तक आपको ये ध्यान रखना था कि वर्ब में एस या यस लगाएं या नहीं, वो थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आप सीखने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में इसकी टेंशन नहीं है कि वर्ब में एस या यस लगाना है या नहीं। इसमें आपको दो नए वर्ड्स मिल रहे हैं, डू और डज, और ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो अब जहां आप सिंगुलर के साथ एस या यस वर्ब में लगाते थे, वहां आप डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब बेस फॉर्म में होगी, यानी कि नॉर्मल। गो है तो गो ही होगा, चाहे वो सिंगुलर के साथ है या प्लूरल के। तो डज और डू का यूज आप उसमें करेंगे। अब चलिए सीखते हैं कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या बताया, डू या डज, प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब, यानी कि जो क्रिया की जा रही है वो इसके बाद आएगी, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस में बची हुई चीजें हैं। तो चीजें वही हैं जैसे सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको वहां बताया था, आई, वी, यू, दे, या फिर दो या दो से ज्यादा नाम है तो आप डू का यूज करेंगे, प्लस नॉट, तो डू नॉट। इन्हें साथ में आप डोंट भी बोलेंगे। तो डोंट कैसे बना, यहां से इस ओ को हटा के हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो डी ओ एन अपोस्ट्रोफी टी, डोंट, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन है। फिर मेन वर्ब है गो, फिर टू द पार्क, सो आई डू नॉट गो टू द पार्क, या फिर आई डोंट गो टू द पार्क, वी डू नॉट गो टू द पार्क, या फिर वी डोंट गो टू द पार्क, इस तरीके से और आगे भी। अब ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम आता है तो आप डज नॉट का यूज करते हैं और जो वर्ब है वो ऐसे ही रहेगी, गो। यहाँ पे आपको गोज नहीं लिखना क्योंकि डू में ईएस यहाँ ऑलरेडी लग गया। तो ही डज नॉट गो टू द पार्क या फिर ही डजंट गो टू द पार्क। तो डज और नॉट दोनों को जोड़ा, यहां से ओ हटा के हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया, डजंट गो टू द पार्क, शी डजंट गो टू द पार्क, इट डजंट गो टू द पार्क, इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर है और इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। अब देखते हैं, यहां हम प्रैक्टिस करते हैं, वह देर तक काम नहीं करता। वह की इंग्लिश ही, क्योंकि ये लड़का है, ही के साथ डज आएगा या डू, ही के साथ आएगा डज, ही डज नॉट काम करना, वर्क, ही डज नॉट वर्क देर तक, क्या बोलेंगे, टिल लेट, ही डज नॉट वर्क टिल लेट। तो ही के साथ हमने डज का यूज किया। नेक्स्ट, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है, यहां वो लिखा है लेकिन इसका मतलब एक ही लड़की से है तो वह हुआ, तो हम यहां शी बोलेंगे, शी, फिर इसके साथ क्या लगाएंगे, डज, शी डज नॉट वॉन्ट टू, चाहना है ना इसलिए वॉन्ट आया, वॉन्ट टू गो तुम्हारे साथ, विथ यू। तो क्या हुआ, शी डज नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू, तो क्योंकि डज लिख गया तो यहां वॉन्ट्स नहीं हुआ, वॉन्ट आया, शी डज नॉट वॉन्ट टू गो विद यू, मैं इतनी सुबह नहीं जाना चाहती। आई, आई के साथ डू आएगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इतनी सुबह, दिस अर्ली, यहां अर्ली सुबह के लिए यूज हुआ है, सो आई डू नॉट वॉन्ट टू गो दिस अर्ली। यहां पे आप कॉन्ट्रैक्शन के भी साथ बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ही डजंट वर्क टिल लेट, शी डजंट वॉन्ट टू गो विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू गो दिस अर्ली। तो रिटन इंग्लिश में ज्यादातर पूरे पूरे फॉर्म्स लिखे जाते हैं, स्पोकन में कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं डोंट और डजंट, लेकिन अगर आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, थोड़ा जोर दे के बोल रहे हैं, तो आप स्पोकन में फुल फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला शी डजंट वॉन्ट टू गो विद यू तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर हम थोड़ा जोर दे के बोलेंगे तो बोलेंगे शी डज नॉट वॉन्ट टू गो विद यू, तो स्ट्रेस कहाँ देंगे, नॉट पे, शी डज नॉट वॉन्ट टू गो विद यू, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तो जब आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, थोड़ा जोर दे के बोल रहे हैं, तो फुल फॉर्म यूज कीजिए और स्ट्रेस नॉट पे दीजिए, ठीक है। अब यहां मैंने सेंटेंसेस लिख रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, अब चलिए इसे फिल करते हैं। आई डैश नॉट लाइक दिस, तो आई के साथ क्या आएगा, डू या फिर डज, आई के साथ आएगा डू, आई डू नॉट लाइक दिस या फिर आई डोंट लाइक दिस, शी, शी के साथ डज आएगा, शी डज नॉट गो देयर, ही के साथ भी डज आएगा, ही डज नॉट हेट मी, वो मुझसे नफरत नहीं करता, यू के साथ डू आएगा, यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, तुम मंजन नहीं करते। इज इट ट्रू, दैट्स रियली नॉट अ गुड हैबिट, ओके।
दे के साथ आएगा डू, दे डू नॉट डू एनीथिंग. अब आप देखेंगे यहां भी डू यहां भी डू, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये डू मेन वर्ब है, यानी कि कुछ करना. वी के साथ आएगा डू, वी डू नॉट बॉदर एनीवन, हम किसी को परेशान नहीं करते. इट के साथ क्या आएगा, डज आएगा, इट डज नॉट बाइट, ये काटता नहीं है. मान लीजिए किसी डॉग की बात करें, ये काटता नहीं है. अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां मैंने लिख रखा है इट नेवर बाइट्स, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस ही है जिसको हमने नेवर से बनाया, नेवर मतलब कभी नहीं. लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे डू या डस का यूज नहीं हुआ है, तो ये बना किस तरीके से, एक पॉजिटिव सेंटेंस की तरह, इट नेवर बाइट्स. तो अगर डू और डस नहीं लगा है तो हम वर्ब में ऐसे आई एस लगाएंगे. तो जब भी नेवर की मदद से आप प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस की तरह वर्ब में एस या ईएस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डू या डस नहीं लगा है. तो आपने ये ध्यान दिया कि जो सिंगुलर है उनके साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, आई और यू एक्सेप्शन है, आई और यू के साथ डू नॉट आता है, ठीक है. अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर लेकर आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो गाइज आप सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें भी डू डस की हम मदद लेंगे, और ये दो तरीके के होते हैं. पहला यस नो क्वेश्चंस, यानी कि जिन सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से होती है. जब हम कोई चीज इस तरीके से पूछते हैं, क्या तुम ये करते हो, तो जवाब में हाँ मिलेगा या ना मिलेगा. तो जिन क्वेश्चंस के आंसर में आपको हाँ या ना मिले, ऐसे क्वेश्चंस को हम इस कैटेगरी में रखते हैं. और दूसरा होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स हो. डब्ल्यू एच वर्ड्स यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स, डब्ल्यू एच फैमिली भी इन्हें बोलते हैं, जिन वर्ड्स में W और H आता है और ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जैसे who, when, where, how, what, why, etc. तो दो तरीके के होते हैं. सबसे पहले हम पहला सीखते हैं जिसका हमें जवाब yes या फिर no से मिलेगा. तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, यानी कि डू डज. तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस. तो अगर हम इसे कवर कर लें तो आप देखिए कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रेस्ट ऑफ सेंटेंस, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस की तरह स्ट्रक्चर है, केवल शुरुआत में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया. तो डू या फिर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, तो आई वी यू दे, दो या दो से ज्यादा नाम के साथ डू आता है. सो डू आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क जाती हूं. तो यहां पे क्या से शुरुआत हुआ और हमने यहां डू से शुरुआत की. डज ही गो टू द पार्क, क्या वह पार्क जाता है. तो यहां भी हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की. डू और डज का वही फर्क है जो मैंने आपको पहले बताया. बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में डू डज आ जाएगा, फिर आपने सब्जेक्ट यूज करना है, फिर वर्ड, फिर आगे के बचे हुए वर्ड्स. अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ. अगर मैं बोलती हूँ क्या कर रहे हो, तो ये भी क्या से शुरू हुआ है, लेकिन इसका जवाब यस या नो में नहीं मिल सकता. क्या कर रहे हो, तो आप कोई काम बताएंगे, मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ. तो इस तरीके से हाँ या ना में जवाब नहीं मिला, तो ये इस कैटेगरी का सेंटेंस है. और यहाँ क्या की इंग्लिश हुई वॉट. तो ये जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है. तो जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब जाना है, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, तो इसमें सबसे पहले उन क्वेश्चन वर्ड्स को लिखा जाता है. जैसे कि अगर मैं बोलूं व्हाई डू यू गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों जाते हो, तो ये जो क्यों है इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी गई. तो सब स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ये, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अब मैं पूछूं व्हेन, When does she go to the park? वो पार्क कब जाती है, तो कब भले बीच में आया पर हमने उठा के उसको सबसे पहले रख दिया. इससे पता चलता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ये फर्क है दोनों में. अगर हाँ ना में आपको जवाब चाहिए तो आप डू डस से स्टार्ट कीजिए, और कुछ आप डिफाइन करने के लिए पूछ रहे हैं तो आप क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट कीजिए. तो एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले इसका, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, तो जवाब में हाँ या ना आएगा, तो हमने शुरुआत कहां से की, डू से. डू यू वॉन्ट टू मीट हर, तो क्योंकि तुम है, यू है, इसलिए डू आ गया. क्या वो तुमसे मिलना चाहती है, तो वो यहां लड़की के लिए यूज हुआ है, यानी कि वह. तो ये शी है, हमने शुरुआत कहां से करनी है, डस से. डस शी वॉन्ट टू मीट यू, क्या वो तुमसे मिलना चाहती है. नेक्स्ट, क्या वे इस बारे में जानते हैं, जवाब हाँ या ना में मिलेगा,
डू से शुरू होगा, डू दे नो अबाउट दिस, क्योंकि दे है इसलिए डू आया। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन के, तो तुम सब कुछ कैसे संभालते हो? यहाँ हाँ ना में जवाब नहीं मिल सकता, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, तो हाउ से शुरुआत की, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बाकी वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। अब है वह नाश्ता कब करता है, तो कब करता है, कब की इंग्लिश व्हेन, व्हेन डज ही हैव ब्रेकफास्ट, तो व्हेन उसके बाद डज हेल्पिंग वर्ब। वे कहाँ रहते हैं, कहाँ, यहाँ भी यस नो में जवाब नहीं मिल सकता, तो शुरुआत कहाँ से होगी, वेयर, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। तो आपने देखा कि अगर आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए तो आप डू या डस से स्टार्ट करेंगे, और अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं क्वेश्चन वर्ड वाले तो आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी वैसे ही होगा जैसे यस नो क्वेश्चन में होता है। तो अब आप ले लीजिए एक स्क्रीन शॉट, इसके बाद हम सीखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो गाइज अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें क्यों, क्या, कब, कैसे ये भी आएगा और साथ में नहीं भी आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे वो था वैसे ही है, यहाँ सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी, और अगर है तो इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट देन मेन वर्ब देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें भी दो ही कैटेगरीज होंगी जैसे पहले थी, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और यहाँ एक बार देख लेते हैं, व्हाई डू यू नॉट गो टू द पार्क, मतलब तुम पार्क क्यों नहीं जाते, व्हेन डज शी नॉट गो टू द पार्क, वो पार्क कब नहीं जाती। तो यस नो क्वेश्चन वाले में डू डस से स्टार्टिंग होती है, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते हो, डू यू नॉट वॉन्ट टू मीट हर, ये कवर कर दिया, यहां से स्टार्टिंग किया डू, फिर सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट फिर नॉट, नॉट फिर वॉन्ट यानी कि मेन वर्ब टू मीट हर, डू यू नॉट वॉन्ट टू मीट हर। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें कि जब डोंट यूज करेंगे तब कैसे करेंगे, यहां तो डू यहां पे है, नॉट यहां पे है, तो हम इसी चीज को, इतनी चीज को लिख सकते हैं डोंट यू, फिर आगे वॉन्ट टू मीट हर, डोंट यू वॉन्ट टू मीट हर, तब ये नॉट जो है ना डू के साथ आ गया और यू के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा, डोंट यू वॉन्ट टू मीट हर। इसी तरीके से सब में करेंगे, क्या वह तुमसे नहीं मिलना चाहती है, तो शुरुआत कहां से होगी, डज शी नॉट वॉन्ट टू मीट यू। अब हम जब कॉन्ट्रैक्शन में बनाएंगे तो डज शी नॉट की जगह हम लिख देंगे डजंट, डजंट शी वॉन्ट टू मीट यू, तो डजंट शी फिर वॉन्ट आ गया। नेक्स्ट इज क्या वे इस बारे में नहीं जानते हैं, तो स्टार्टिंग कहां से हुई, डू, फिर क्या आया सब्जेक्ट दे, डू दे नॉट नो अबाउट दिस, क्या वे इस बारे में नहीं जानते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब आपको भी पता है क्या लिखेंगे, डोंट दे, डोंट दे नो अबाउट दिस, तो नॉट पहले आ गया। अब देखिए डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन देखते हैं, तो कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले, वाई डू यू डू, सो क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब, वाई डू फिर सब्जेक्ट यू फिर नॉट फिर आगे मेन वर्ब फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वाई डू यू नॉट मैनेज एनीथिंग। अब जब कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो इतने की जगह हम लिखेंगे वाई डोंट यू, वाई डोंट यू मैनेज एनीथिंग। वह कब नहीं खाता है, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले व्हेन, फिर डज, फिर ही, फिर नॉट, व्हेन डज ही नॉट ईट। अब कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो इतने की जगह पे हम लिखेंगे व्हेन डजंट ही फिर ईट, व्हेन डजंट ही ईट। नेक्स्ट इज वे कैसे नहीं जानते, हाउ डू दे नॉट नो, हाउ डू दे नॉट, इतने की जगह पे हम बोलेंगे हाउ डोंट दे, हाउ डोंट दे नो। तो देखा आपने कि जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करते, फुल फॉर्म्स यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन भी यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले ही दोनों जोड़ के एक साथ आ जाते हैं,
सो वाई डोंट, व्हेन डजंट, इस तरीके से. तो ये हो गए अब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, कि आपने किस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं. आपने फॉर्म समझ लिए. एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डू डज का कोई रोल नहीं होता है. वहां हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर डायरेक्ट वर्ब आ जाती है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस आता है. आई और यू के साथ ये चीज लागू नहीं होता. फिर उसके बाद जो बचे हुए वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में वो आते हैं. सो ही गोज टू द पार्क एंड आई गो टू द पार्क. और जैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की बारी आती है तो हम वहां पे डू या डज नॉट का यूज करते हैं. सो आई डू नॉट गो टू द पार्क एंड ही डज नॉट गो टू द पार्क. ठीक है. उसके बाद जैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो क्या वाले, जिसमें हाँ ना में जवाब मिलता है, उठा के हम हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में रख देते हैं. तो क्या बोलेंगे, डू आई गो टू द पार्क, डज ही गो टू द पार्क. और जैसे ही क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं कि कब, कैसे, कहाँ, तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले उनको ले आ देते हैं. तो क्या बोलेंगे, When do I go to the park? When does he go to the park? और जैसे ही interrogative negative sentences आते हैं तो वहां पे बिना contraction वाले में हम क्या करते हैं, When do you not go to the park? When does he not go to the park? अगर हम contraction के साथ बोलते हैं तो हम बोलते हैं When don't you go to the park? और when doesn't he go to the park. तो इस तरीके से sentences को बनाने का structure है. उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो चीजें बार बार repeat होती हैं या कभी हुई कभी नहीं हुई, इस तरीके के sentences के लिए आप ये tense use करते हैं, present indefinite. और अगर आप written की बात कर रहे हैं तो उसकी पहचान है कि sentence के end में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे words आते हैं. Guys, फिर मिलूंगी आपसे next video में. और day 18 में आप सीखेंगे past indefinite. वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप पुरानी बात करते हैं तो आप उसी का यूज करते हैं. तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस न करें. आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं. मैं हर एक कॉमेंट का जवाब देती हूँ, आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व कर दूंगी. फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.